Hello everyone, my name is Madhvi Gupta and I am your BCA teacher on Shivani Study Hub. Welcome back to this channel. आज हम पढ़ेंगे first semester का IT subject. देखते हैं IT subject में क्या क्या चीज़ें important हैं, क्या हमें unit 1 में पढ़ना है. जो भी important था मैंने जब syllabus discuss किया था तभी आपको बता दिया था, ठीक है. आज हम उसकी theory देखेंगे. तो पहला सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटी. आईटी में देखिए फंडामेंटल्स क्या हैं, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी है यूनिट वन में, ठीक. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके बेसिक चीज़ों के बारे में, कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे. पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, होता क्या है, ठीक है. उसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे बाइनरी लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो सब क्या होते हैं, ठीक है. इसमें देखिए फंडामेंटल्स में पहले कंप्यूटर का डेफिनेशन, ठीक है. जो हमारा कंप्यूटर है उसका अगर हम डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो क्या है, एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस फॉर मेकिंग कैलकुलेशन और कंट्रोलिंग ऑपरेशन डेट आर एक्सप्रेसिबल इन न्यूमेरिकल और लॉजिकल टर्म्स. एक ऑटोमेटिक मशीन है, एपरेटस यानी कि मशीन, एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन के लिए, ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए. डेट आर एक्सप्रेसिबल, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा, आइदर इन द लॉजिक टर्म्स और आइदर इन द न्यूमेरिकल टर्म्स, ठीक है. तो ये क्या है हमारा कंप्यूटर का डेफिनेशन. इसको फिर से समझते हैं हिंदी में कि कंप्यूटर जो है वो क्या है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जिससे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक टास्क यूज़र दे रहा है मशीन को यानी कंप्यूटर को और वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है. और जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, न्यूमेरिकल और लॉजिकल टर्म में. अब बात करते हैं कि कंप्यूटर यूज़र की लैंग्वेज कैसे समझता है, क्योंकि यूज़र जो है वो हिंदी, इंग्लिश या अदर रीज़न के लैंग्वेज में बात बोलता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो कहीं भी रहे, किसी भी कंट्री में रहे, किसी भी स्टेट में रहे, कहीं भी, तो वो कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, ज़ीरो और वन के फॉर्म में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज. और अब देखते हैं कि इनपुट आउटपुट क्या है. सबसे मेन चीज़, अगर यूज़र जो है जो डेटा वो देता है कंप्यूटर को वो क्या है, हमारा इनपुट है, और जो हमें रिज़ल्ट में मिलता है एज एन यूज़फुल फॉर ह्यूमन वो क्या है, हमारा आउटपुट है. अब देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है. हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, फिज़िकल कंपोनेंट्स जो अटैच होते हैं हमारे कंप्यूटर से, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है, ये सब क्या है, हार्डवेयर है. जो नहीं अटैच होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस हो गए हमारे सिस्टम में पहले से इनबिल्ट हैं या हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है. सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है. जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है, किससे बना है, ये सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बने, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर. कैरेक्टरिस्टिक आप देखते हैं कंप्यूटर का क्या होता है, ये सब जनरली मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगी क्योंकि ये सब आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही, ठीक है. पहला है स्पीड. स्पीड क्या है, कंप्यूटर का स्पीड जो है बहुत हाई होना चाहिए, डेटा जल्दी प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है. वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर जो है वो कोई भी टास्क को ईजिली कर सकता है, ठीक है. कैन बी रिड्यूस टू सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप, जितना एक ह्यूमन उस काम को करने में लॉजिक लगाएगा, टाइम लेगा, उतना ही कंप्यूटर जो है उसको दो मिनट में या उससे कम सेकंड में काम करके हटा देगा, ठीक है. थर्ड है आपका एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए कंप्यूटर की, वो कंसिस्टेंटली हाई होनी चाहिए. कंप्यूटर एरर जो है वो अराइज़ होता है क्यों, क्योंकि जब यूज़र अगर सही डेटा नहीं देगा, ठीक है, या फिर सही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, तो क्या वो परफॉर्म होगा टास्क, नहीं होगा, ठीक है. तो उसको क्या कहते हैं, हमेशा गीगो. गीगो माने कि गार्बेज इन गार्बेज आउट. वो वैल्यू जो हमें आउटपुट में मिलती है, अगर अनयूजुअल डेटा हो, ठीक है, सही डेटा ना हो,
तो वो जो वैल्यू मिलती है आउटपुट में, हम उसको क्या कहते हैं, गीगो। गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। एट लास्ट देखो, डिलीजेंस एंड इंटेलिजेंस। डिलीजेंस क्या होता है, कई सारे कैलकुलेशंस को कंप्यूटर एक समय पर कर सकता है उसी सेम एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, मतलब कि सेम कंसिस्टेंट एक्यूरेसी रहेगी और उसी एक्यूरेसी के साथ वो कंप्यूटर में कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। फिर आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है, कंप्यूटर डजेंट पासेस एनी इंटेलिजेंट ऑफ इट्स ओन, इट कैन परफॉर्म ओनली दैट टास्क दैट आर फीड बाय द यूज़र। ऐसे टास्क को परफॉर्म करता है कंप्यूटर जो यूज़र उसको देता है कि तुम ये काम करो, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये मेरा डॉक्यूमेंट है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है यूज़र कि ये डॉक्यूमेंट है, इसको फॉर्मेट करो, तो वो फॉर्मेट करेगा, वो एक इंस्ट्रक्शन सुना, ठीक है, उसे अपना दिमाग नहीं चलाना पड़ा। हम उसको जैसे जैसे कमांड देते जाएंगे वो वैसे वैसे काम करता जाएगा, ठीक है, और वैसे ही हमें आउटपुट भी मिलेगा। फिर है एट लास्ट स्टोरेज। स्पीड विद विच कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्पीड विद विच कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे स्पीड से कंप्यूटर काम करता है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस को अपने फाइल्स में स्टोर कर सकता है, ठीक है। फिर आते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जी ने फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उन्होंने दो तरह के कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था, ठीक है। पहला कंप्यूटर जो था वो था डिफरेंस इंजन, एंड नेक्स्ट जो सेकंड था वो था एनालिटिकल इंजन। पहला क्या था, डिफरेंस इंजन, और दूसरा क्या था, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ कंप्यूटर का, किस सन में हुआ, कौन से इंजन को कब लाया गया, तो वो हम बता सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे पॉइंट्स में लिखे गए हैं, तो आप अगर ऐसे पॉइंट्स में लिखोगे आंसर तो ज़्यादातर क्लियर होगा आंसर, ठीक है, और अच्छे मार्क्स भी आप कवर कर पाओगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग बहुत ज़्यादा कहानी वगैरह, ठीक है। टू द पॉइंट लिखोगे आंसर तो एकदम क्लियर कट मार्क्स मिलेंगे। देखो डिफरेंस इंजन हम बात कर रहे थे इवोल्यूशन कंप्यूटर के, वो दो टाइप के होते हैं। कौन डिज़ाइन किया था, चार्ल्स बेबेज, और दो टाइप के होते हैं, उन्होंने दो टाइप के कंप्यूटर को डिज़ाइन किया। पहला था डिफरेंस इंजन, द सेकेंड वन इज़ एनालिटिकल इंजन। अब बात करते हैं डिफरेंस इंजन की। डिफरेंस इंजन कब आया था, 1822 में, ठीक है, कब आया था, 1822 में, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, सॉल्व कैलकुलेशन ऑन लार्ज नंबर्स। अगर लार्ज नंबर का कैलकुलेशन रहता था तो हम डिफरेंस इंजन का यूज़ करते थे, और ये बेसिकली कहाँ यूज़ किया जाता था, जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पॉलीनोमियल्स थे उसमें यूज़ किया जाता था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन कब आया था, ये तीन पॉइंट हमने जाना डिफरेंस इंजन के बारे में, कब आया, 1822 में, कैलकुलेशन ऑन लार्ज नंबर्स, ठीक है, क्या करने के लिए, जो लार्ज नंबर्स पे कैलकुलेशन है उनको सॉल्व करने के लिए, और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं और पॉलीनोमियल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है वो 1842 में आया। ये क्या करता है, कुड परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन एट अ स्पीड ऑफ 60 एडिशन पर मिनट। मतलब जो जैसे मान लो एक कंप्यूटर बना, ठीक है, उसके बाद जो कंप्यूटर आता है वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और फिर उसके बाद जो कंप्यूटर आएगा वो और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब डिफरेंस इंजन बना तो वो लार्ज नंबर पे कैलकुलेशन करने के लिए बना। अब जब उसके बाद एनालिटिकल इंजन का इवोल्यूशन हुआ तो वो किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता था, ठीक है, विद इन स्पीड ऑफ 60 एडिशंस पर मिनट। एक मिनट के अंदर 60 एडिशन, सोचो कितनी स्पीड रही होगी, कितना कंसिस्टेंट एक्यूरेसी रहा होगा कि वो इतना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक। अब देखते हैं कि देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, फॉर एन एग्जांपल, व्हाट आर द अर्ली कंप्यूटर्स और नेम सम अर्ली कंप्यूटर, तो यहाँ पे कुछ अर्ली कंप्यूटर जो पहले डिज़ाइन किए गए थे उनका हम देखेंगे कि क्या क्या नाम था। देखो पहला था मार्क फर्स्ट, इनैक, ठीक है, EN IAC, एडवैक, यूनिवैक आई,
आर द अर्ली कंप्यूटर्स, ये सब क्या थे? अर्ली कंप्यूटर्स थे. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन कंप्यूटर. डिफरेंस क्या था ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन कंप्यूटर में? कंपैरेटिव स्टडी इसलिए किया जाता है ताकि आपको चीज़ें कंपेयर करके दिमाग में बैठ जाए. ठीक है, हमेशा ये कोशिश करो कि आप कंपैरिजन स्टडी करो. ठीक है, अगर चीज़ें कहानी की तरह हिस्ट्री की तरह पढ़ोगे तो वो चीज़ें दिमाग से स्किप करेंगी, लेकिन अगर टू द पॉइंट कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा कोई भी पूछेगा तो क्लिक करेंगी, वो हिट करेंगी दिमाग में और आप तुरंत आंसर करोगे. ठीक है, इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी करो स्पेशली एग्ज़ाम्स में. अब देखते हैं न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में डिफरेंस क्या है. न्यू जनरेशन में देखो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर मोर डेवलप्ड नाउ. एंड ओल्ड जनरेशन में क्या था, हार्डवेयर सिर्फ डेवलप था. ठीक है, सॉफ्टवेयर उस ज़माने में इतने ज़्यादा नहीं हुआ, हाईटेक हुआ करते थे कि हर काम ईज़िली हो जाए सॉफ्टवेयर के मदद से. लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इतने डेवलप कर चुके हैं कि AI आ चुके हैं कि हर एक छोटे से छोटे काम के लिए हम AI और मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स पे डिपेंड होने लगे हैं. ठीक है, अपना बुद्धि ही नहीं खर्च कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो न्यू जनरेशन में एनर्जी कंजम्पशन डिक्रीज. एनर्जी कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है, मतलब ज़्यादातर अगर सारे काम सॉफ्टवेयर करेगा तो मैनुअल जो काम हुआ करते थे पहले वो क्या डिक्रीज होंगे, उनका दिमाग कम खर्च होगा. ठीक है, इसीलिए एनर्जी भी क्या होगी, सेव होगी. ओल्ड जनरेशन स्मॉलर था, चीपर और एक्सेट्रा. क्यों? क्योंकि उस टाइम में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का भी इतना दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि इतने सॉफ्टवेयर्स डेवलप नहीं थे ना बनते थे, हार्डवेयर को खाली मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती थी. ठीक है, इसीलिए कम में भी काम चल जाता था. नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिक एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, एनाटॉमी क्या होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पहले क्या कंप्यूटर थे, अब क्या कंप्यूटर हैं, क्या चेंजेस हुए, किस समय में आए, डैट्स ऑल. ठीक है, हम पढ़ेंगे एक कह सकते हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि एक दर पीढ़ी दर कैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ. ठीक है, देखो यहाँ से पढ़ेंगे. देखो सेकेंडरी स्टोरेज और ये पूरा CPU है जिसमें मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है जिसको हम ALU, CU और मेन मेमोरी कहते हैं. अब यहाँ से हम क्या किए, इनपुट दिए, इनपुट के बाद डेटा कहाँ जा रहा है, मेन मेमोरी में. ठीक है, पहले वो मेन मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा, फिर यहाँ CPU में पूरा प्रोसेस होगा कंट्रोल यूनिट और ALU के बेसिस पे, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर वो जब मेन मेमोरी में पूरा ये प्रोसेस हो जाएगा फिर वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में. ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज से फिर वो मेन मेमोरी में आके फिर आउटपुट यूनिट में जाएगा. ठीक है, तो बेसिक काम किसका, सबसे ज़्यादा काम किसका पड़ रहा है, CPU का. ठीक, देखो अब इसमें डीपली जानते हैं कि इसका क्या फंक्शन है. इनपुटिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर सिस्टम. जब भी हम कोई डेटा या इंस्ट्रक्शंस को एंटर कराते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो वो क्या होता है, इनपुट, मतलब डेटा देना इज कॉल्ड इनपुट. स्टोरिंग डेटा को सेव करना या इंस्ट्रक्शंस को सेव करना वो क्या है, स्टोरिंग. प्रोसेसिंग क्या है, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना डेटा पे टू कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. ठीक है, ताकि हम इसमें क्या कह रहा है, प्रोसेसिंग में क्या कह रहा है कि हम लॉजिक और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करें डेटा जो हमारे पास है उस पे, ताकि वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो. ठीक है, तो वो क्या है, प्रोसेसिंग. आउटपुटिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द रिजल्ट्स टू द यूज़र. जब हमें एक एंड रिजल्ट मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, आउटपुटिंग. कंट्रोलिंग क्या है,
refers to the directing the sequence and manner in which all the operations are performed. Controlling क्या होती है? Basically एक systematic काम जिसमें आप एक sequence और एक manner decide करते हो, एक format decide करते हो कि कौन से operations को पहले करना है, कौन से operations को बाद में करना है, ठीक है? तो वहाँ पे बात आती है controlling की. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस, कि कंप्यूटर में क्या एलिमेंट्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं. देखो कंप्यूटर एलिमेंट्स में पहला आता है इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट क्या करता है? डेटा को रिसीव किया, इंस्ट्रक्शंस को रिसीव किया इन द फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. ऐसा डेटा हमें यूजफुल डेटा देना है कि जो कंप्यूटर है वो समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दे. आउटपुट यूनिट क्या है? सुटेबल डेटा देंगे तो हमें सुटेबल आउटपुट भी मिलेगा, ठीक है. आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट यूनिट. स्टोरेज में क्या आता है? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ALU, CU, ठीक है, ये हो गए. अब मेन मेमोरी में बात करेंगे. स्टोरेज का पहला पार्ट क्या है? मेन मेमोरी, टू होल्ड इंफॉर्मेशन अवेटिंग आउटपुट. पहले मेन मेमोरी में इंफॉर्मेशन जाती है, वहाँ पे वो प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है. फिर सेकेंडरी मेमोरी जो है यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली. मेन मेमोरी में जो डेटा सेफ होता है वो टेम्प्ररी होता है, सेकेंडरी मेमोरी में जब डेटा चला जाता है तो वो इरिवर्सिबल नहीं होता, मतलब वो परमानेंटली जैसा आप सेव किए डेटा वैसा ही रहेगा, ठीक. ALU क्या करता है? CPU में. और इसमें एक और बात देखो, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो बहुत ही सस्ता होता है देन द मेन स्टोरेज, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर रहा है, उसको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है. लेकिन मेन मेमोरी जो होता है तुम्हारा प्राइमरी, अगर रैम ख़राब हो गया तो फिर वो वर्क नहीं करता है, ठीक. तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो मच चीपर देन द मेन स्टोरेज. ALU क्या है तुम्हारा? कैरी आउट ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस. जितने भी कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस होते हैं अर्थमेटिक, मतलब ठीक है, मतलब नंबर के बेसिस पे, वो किस में होते हैं? ALU में होते हैं. CU क्या करता है? टू टेक द स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस इन द सीक्वेंस. स्टोर्ड करता है इंस्ट्रक्शंस को एक सीक्वेंस में, मतलब कि वन एट अ टाइम, कि आप एक टास्क परफॉर्म हो रहा है तो आप नेक्स्ट टास्क को होल्ड करो, तो वो CU का काम होता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है. अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. पहले हम बात किए कि इवोल्यूशन कैसे हुआ कंप्यूटर का, अब हम जानेंगे कि कितने जनरेशन थे कंप्यूटर के. फर्स्ट जनरेशन देखो 1940 से 56 तक था, ठीक है. फर्स्ट जनरेशन जो है यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुआ करते थे. फिर लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी हुआ करती थी, स्लो स्पीड होता था, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस उस टाइम में ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे. प्रॉब्लम ऑफ ओवरहीटिंग, मतलब कि अगर उस जनरेशन में ज़्यादा अगर काम कर लो कंप्यूटर में तो हीटिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी, तुरंत स्विच बंद करना पड़ता था, ठीक है. जैसे बियरेबल केबल्स जो हैं वो नहीं हुआ करते थे, तुरंत ही वो हीट हो जाते थे, ठीक. फर्स्ट जनरेशन में ये चीज़ था. स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं थी ज़्यादा और स्लो स्पीड था, क्योंकि नेटवर्क का ज़्यादा डेवलपमेंट उस टाइम से नहीं था. फिर सेकेंड जनरेशन में 1956 से 1963 तक रहा, इसमें ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स का यूज़ हुआ. स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी बढ़ी, स्पीड भी फास्टर हुआ. रिडक्शन इन साइज़ एंड हीट जनरेशन, साइज़ और जो हीट जनरेशन है उसका भी रिडक्शन हुआ, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी. लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? थोड़ा सा कम हुआ हीटिंग का प्रॉब्लम. फिर HLL यूज़ हुआ, ठीक है. हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ सेकेंड जनरेशन में 1956 से 63 के बीच में, ठीक है. फिर आते हैं थर्ड जनरेशन में क्या हुआ. थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो आए थे 1964 से 71 के बीच में. यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, अब यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का काम शुरू हो गया, ठीक है. उसको कंप्यूटर में यूज़ करने लगा किया गया. मोर फ्लैक्सीबिलिटी विद इनपुट आउटपुट से ज़्यादा फ्लैक्सीबल हो गया, ठीक है. स्मॉलर इन साइज एंड बेटर परफॉर्मेंस, कंप्यूटर्स जो थे वो थोड़े स्मॉल साइज़ में थे और अच्छे से परफॉर्मेंस भी, जो टास्क हम असाइन कर रहे थे कंप्यूटर्स में
जो भी एप्स उसमें थे तो वो अच्छे से परफॉर्म हो रहे थे। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का ज़्यादातर यूज़ होने लगा। रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ जनरेशन 1971 से अभी तक चल रहा है। प्रेजेंट में यूज़ ऑफ LSI एंड VLSI यूज़ होने लगा। स्टोरेज और ज़्यादा बढ़ गई, फास्टर एंड स्मॉलर कंप्यूटर और छोटे हो गए और स्पीड उनकी बढ़ गई। मॉड्यूलर डिज़ाइन, वर्सेटैलिटी एंड कंपैटिबिलिटी, मतलब कि एक नया मॉडर्न डिज़ाइन हुआ। वर्सेटैलिटी मतलब कंफर्टेबल, आप कहीं भी काम कर सकते हो उसके। कंपैटिबिलिटी मतलब ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस डिफ़िकल्ट नहीं था कि अगर हम एक बटन दबाएं तो हमें पूरा प्रोसेस ही ना समझ में आए, कंपैटिबिलिटी था। ठीक है, इंक्रीज यूज़ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स का फोर्थ जनरेशन से ज़्यादा यूज़ होने लगा। फिफ्थ जनरेशन में प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, और फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं वो अभी भी यूज़ हो रहे हैं और आगे भी यूज़ होते रहेंगे। फिफ्थ जनरेशन में देखोगे तुम्हारा क्या यूज़ होने लगा, IC मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, USBI। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया फिफ्थ जनरेशन में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जाए। ठीक है, कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ गई स्टोरेज की, सपोर्ट फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस, और जितने कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जो पहले नहीं रन कर पा रहे थे जनरेशन पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स में, वो अब रन करने लगे। स्टिल अंडर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है, फुल्ली उस पर हासिल नहीं हुआ है महारत। ठीक है, फिर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन क्या था कंप्यूटर का, कैसे क्लासिफाई किया गया कंप्यूटर्स को, तीन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे, एप्लीकेशंस पे, साइज एंड कंपैटिबिलिटी पे। ठीक है, किस किस पे, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस, साइज एंड कंपैटिबिलिटी। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स पे पहले देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया गया। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे कंप्यूटर्स को तीन टाइप में डिवाइड किया गया था। पहला जो था वो एनालॉग कंप्यूटर था, नेक्स्ट जो था डिजिटल कंप्यूटर्स, थर्ड जो थी वो थी हाइब्रिड कंप्यूटर्स। फर्स्ट वाज एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड वाज डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड वाज हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर होते क्या थे। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, अ कंप्यूटर विच रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ कंटीन्यूअस सिग्नल। पहले क्या होता था, जो एनालॉग कंप्यूटर बना वो सिग्नल के बेसिस पे काम करता था। ठीक है, जो भी डेटा थे वो कैसे रिप्रेजेंट होते थे, एक कंटिन्यूस सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो स्टोर और प्रोसेस डेटा इन अ डिजिटल फॉर्म। ठीक है, जो कि डेटा को स्टोर करे, प्रोसेस करे एक डिजिटल फॉर्म में, डिजिट्स के फॉर्म में। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर यानी जो डिजिट्स पे काम करे। ठीक, नेक्स्ट एट लास्ट हम पढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या था। हाइब्रिड कंप्यूटर जो था वो एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन था, मतलब दोनों वर्किंग किस में आ गई, हाइब्रिड कंप्यूटर्स में। फिर एप्लीकेशंस के बेसिस पे अब देखते हैं कि कंप्यूटर को कैसे डिफाइन किया गया। ठीक है, फिर साइज़ और कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे। ठीक, फिर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, फिर थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक, इसमें ज़्यादा थ्योरी आपको पढ़ने के मतलब नीड नहीं है, बट आप ये ऊपर ऊपर देख लेना कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुआ था, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेना। ये ज़रूर पूछता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो पढ़ लेना। अब देखो, बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस दो टाइप में कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया, एक जनरल पर्पस के लिए और एक स्पेशल पर्पस के लिए। जनरल पर्पस के लिए पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, दीज वर्क्स इन ऑल एनवायरमेंट। जनरल पर्पस, जनरल यानी कि हर एक कंडीशन में वो काम करेगा कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस, कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक, जनरल पर्पस वर्सेटाइल होगा, स्पेशल पर्पस में जो कंप्यूटर्स होंगे वो नॉन वर्सेटाइल होंगे। जनरल पर्पस में कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और स्पेशल पर्पस में लेस अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा।
जनरल पर्पज़ में कंप्यूटर्स को मेंटेन करने में ज़्यादा पैसा लगेगा, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं रेदर देन द स्पेशल पर्पज़, क्योंकि स्पेशल पर्पज़ जो होते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उन्हीं चीज़ों के लिए वो कंप्यूटर बने हैं और समय भी कम लेंगे, क्योंकि उन्हें हर एक काम थोड़ी करना है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वो कंप्यूटर डिज़ाइन हुआ है तो वो स्पेसिफिक टास्क ही करेगा, तो इसमें एक्सपेंसिव भी कम लगता है पैसा, ठीक है। अब बात करते हैं साइज़ और कंपैटिबिलिटी के, सॉरी कैपेबिलिटी के बेसिस पे कंप्यूटर्स को। देखो पहला इसमें आता है माइक्रो प्रोसेसर, फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर्स, फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना कि माइक्रो प्रोसेसर्स क्या हैं, मिनी कंप्यूटर्स क्या हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या हैं, सुपर कंप्यूटर्स क्या हैं, ठीक है। ये साइज़ और कैपेबिलिटी के बेसिस पे ये कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है। फिर आते हैं कंप्यूटर सिस्टम किससे मिल के बना है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड पीपल। पीपल इसलिए कह रहा है क्योंकि पीपल यानी कि यूज़र्स, यूज़र के पास ही तो डेटा होगा। अब मशीन जो है वो खुद चल के तो जाएगा नहीं कि मुझे डेटा दो मुझे काम करना है, नो। तो यूज़र्स जो होते हैं यानी कि पीपल्स, उनके पास डेटा होता है, डेटा को वो सॉफ्टवेयर पे डालते हैं, सॉफ्टवेयर फिर जब हम लोग कमांड देते हैं तो वो हार्डवेयर के थ्रू वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो चार चीज़ों से बना है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड पीपल। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हम लोग इतना कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिंपल भाषा में समझो कि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिस्टम क्या है, वो डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इसमें राम कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर टर्म को पकड़ो और उसको अपने वर्ड्स में लिखना शुरू कर दो तो आंसर जो है वो अपने आप बनने लगते हैं, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डिफरेंस समझ लो एप्लीकेशन और सिस्टम में, ये देख लो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किस लिए काम आता है, कोई जब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर कब काम आता है, जब डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करना हो, ठीक है, तब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब इतना कंप्यूटर के बारे में जाने हैं तो हम ये भी जान लेते हैं कि उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है बिजनेस, साइंस, बैंकिंग, हेल्थ, ठीक है, और भी कई फील्ड हैं जिसमें यूज़ होता है कंप्यूटर, ठीक है। एजुकेशन में पढ़ने के लिए यूज़ होता है, बिजनेस करने के लिए यूज़ होता है, साइंस में, बैंकिंग में, हेल्थ सेक्टर में यूज़ होता है। तो ये क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है। एक ऐसा सिस्टम जो एक्ट कर रहा है किसकी तरह, एक इंटरफेस मैनेजर की तरह, ठीक है, किसके बीच में, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। एंड इट ऑल्सो मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम लाइक मेमोरी और फाइल्स एक्सेट्रा। और क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, यहाँ पे देखो बता दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम में जैसे मेमोरी और फाइल्स जो होती हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। दो पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, पहला क्या कि ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है। इंटरफेस यानी कि सिंपल भाषा में समझो दीवार, ठीक है, दीवार की तरह काम करता है यूज़र के बीच में और तुम्हारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर सिस्टम से अटैच हैं उनके बीच में, ठीक है। तो वो क्या है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक। दूसरा बात यहाँ क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेमोरी, फाइल्स एक्सेट्रा जितने भी रिसोर्सेज होते हैं तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में उनको भी मैनेज करता है, ठीक है। दो काम हमें बताया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब देखो फंक्शंस क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, यहाँ पे और अच्छे से क्लियर किया है कि पहला पॉइंट है कि प्रोवाइडिंग फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, ठीक है, एक कम्युनिकेशन बिल्डअप करता है यूज़र और हार्डवेयर यानी कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, एक कम्युनिकेशन बिल्डअप करता है जिसको हम इंटरफेस का नाम दे रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, जो रिसोर्सेज की हम बात किए जैसे कि फाइल्स, मेमोरी को कैसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम,
देखो तीन भागों में डिवाइड हुआ है वो चीज़। एक है प्रोसेस मैनेजमेंट, जितने भी टास्क यूज़र असाइन कर रहा है वो प्रोसेस मैनेजमेंट में आ गए। अब जो टास्क परफॉर्म हुए उन फाइल्स को, उन डॉक्स को सेव भी तो करना है, तो वो फाइल मैनेजमेंट में आ गया। अब वो फाइल सेव हो रहे हैं, कहाँ सेव हो रहे हैं, मेमोरी में हम सेव कर दिए मान लो, तो वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। फिर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में कुछ और भी देख लेते हैं और उनके डेवलपर्स देख लेते हैं जिन्होंने कंप्यूटर्स को बनाया था। उन कंप्यूटर से पहले भी कई कंप्यूटर्स बने थे, जैसे कि पहले जॉन नेपियर जो 1550 से 1617 एडी तक ये बनाए थे, लॉगरिथम्स इन्वेंट किए थे, बोन्स मेथड फाइंड किए थे टू फाइंड टेबल। ठीक है, टेबल्स जो हम लोग आज पढ़ते हैं उनको फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किए थे, बोन्स मेथड। फिर आते हैं नेक्स्ट ब्लेज पास्कल जी, वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे 1642 एडी में। एडिंग सब्ट्रैक्ट मशीन इन्वेंट, मतलब कि प्लस माइनस को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने मशीन बनाई थी। नेक्स्ट हैं गॉटफ्राइड लेनिंटी, जर्मन मैथमेटिशियन थे, 1671 एडी में आए थे और इन्होंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए मशीन बनाई थी। फिर आते हैं जोसेफ फैकवर्ड जो अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, 1801 एडी में आए थे, पावर कार्ड पंच लूम इन्वेंट किया था इन्होंने। फिर आए थे मोलारिथ 1869 से 1926 एडी में आए थे, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड बनाया था। ठीक है, टैबुलेशन मशीन इन्वेंट किया था। ये अमेरिकन यूज्ड इन 1880 सेंसेस, हाँ टेक्स 3 ईयर्स, ये इन्होंने सेंसेस निकालने का, हर एक 3 साल पे सेंसेस कैलकुलेट करने का भी मेथड बताया था, किसने, मोलारिथ ने। ये था आपका यूनिट 1। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो इस यूनिट 1 से रिलेटेड। और ये जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है वो IT सब्जेक्ट है जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक है, अभी मैंने यूनिट 1 कवर किया, यूनिट 1 में आपको बस इतना ही थ्योरी पढ़ना है। ठीक, ये आप देख लेना। ठीक, और जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने अपने पिछले वीडियो जो बनाया था सिलेबस जब डिस्कस कर रही थी तभी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिया था कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टॉपिक से बन सकते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अगर जो नहीं देखा है कि इम्पॉर्टेंट क्या क्या है यूनिट से, ठीक है, तो वो पहले वीडियो देख ले जिसमें सिलेबस डिस्कस किया मैंने। डैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट 1 इन IT। ओके, थैंक यू।